हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक बार फिर सिटल ज्ञान चैनल में। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे एमएस एक्सेल में डेट ऑफ बर्थ, किसी की अपनी डेट ऑफ बर्थ कैसे निकालते हैं। तो मैंने कुछ डेट ऑफ बर्थ लिख रखी हैं, जैसे कि मैंने डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले कॉलम बना लिया, करंट डेट, ईयर, मंथ, डेज और उसके बाद में डे, इस प्रकार के कॉलम बना लिए हैं। उसके बाद में मैंने कुछ डेट ऑफ बर्थ लिख ली हैं, उसके बाद आज की करंट डेट लिख ली है। तो आज हम इसमें जानेंगे किसी की डेट ऑफ बर्थ में ईयर, मंथ, डे और कौन सा दिन था जन्म होने का, इन सारी चीज़ों को एक साथ निकालेंगे एमएस एक्सेल में। तो चलिए हम फार्मूले का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले मुझे बराबर का चिन्ह लगा देना है, उसके बाद में डी ए टी ई डी आई एफ डेटेड इफ, उसके बाद में पोस्टे को ओपन कर लेना है। उसके बाद में मुझे डेट ऑफ बर्थ का कॉलम सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद कॉमा लगा लेना है, उसके बाद करंट डेट को सेलेक्ट कर लेना है, फिर कॉमा लगा लेना है, उसके बाद डबल कॉमा के अंदर हमें लिखना होगा वाई, उसके बाद में डबल कॉमा को बंद कर देने के बाद में हम फिर से ब्रैकेट को यानी कोष्टक को बंद करेंगे, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि डेट ऑफ बर्थ का ईयर 26 साल आ गया है। उसके बाद अब हम पुनः मंथ चेक करेंगे कि हम कितने साल के यानी कितने महीने के हुए हैं ईयर के साथ साथ। तो चलिए हम फिर से वही लघु में फार्मूला प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम डी ए टी ई डी आई एफ का प्रयोग करेंगे, उसके बाद फिर से कामा को ओपन करेंगे, कामा लगा लेंगे, उसके बाद में अब इस बार मुझे फिर से पुनः डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना है, उस कामा को यानी उस कॉलम को, उसके बाद में करंट डेट के कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है मंथ निकालने के लिए। उसके बाद में मुझे डबल कामा के अंदर वाई और यम, उसके बाद डबल कामा बंद, उसके बाद में हम कोष्ठक को बंद कर देंगे। उसके बाद हम देख सकते हैं फार्मूले का प्रयोग, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ ईयर और मंथ का पता चल गया है। अब मुझे ये पता करना है जिसकी डेट ऑफ बर्थ ये है या मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है इसका ईयर यानी साल 26 हो गया है, मंथ 10 हो गया है, अब कितने दिन के हुए हैं। इसके लिए मुझे फिर से बराबर का चिन्ह लगाना है। बराबर का चिन्ह लगाने के बाद में फिर डी ए टी ई डी उसके बाद आई एफ लिखेंगे, आई एफ लिख देंगे, उसके बाद कामा स्टार्ट करेंगे। कामा स्टार्ट कर देने के बाद में आपको फिर से पुनः डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करना होगा, कामा लगाना होगा, उसके बाद में करंट डेट को सेलेक्ट करना होगा, कामा लगाना होगा, उसके बाद डबल कामा के अंदर आपको यम डी लिखना होगा, उसके बाद कामा को बंद करना होगा, उसके बाद ब्रैकेट को बंद करना होगा। तो आप देख सकते हैं मैंने डेट डीप लिखा, उसके बाद मैंने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट किया, कामा लगाया, उसके बाद करंट डेट सेलेक्ट की, कामा लगाया, उसके बाद डबल ब्रैकेट के अंदर यम डी यानी मुझे अब डे का पता लगाना है, तो यम डी डबल ब्रैकेट के अंदर, उसके बाद कामा बंद करके हम इंटर प्रेस कर दिए। तो ये मेरे जन्म तिथि का दिन पता चल गया है। जैसे मैं 26 ईयर 10 मंथ और 28 दिन का हुआ हूँ। अब ये मुझे पता करना होगा कि दिन कौन सा था वो जिस दिन की डेट ऑफ बर्थ है। तो इसीलिए मुझे सबसे पहले बराबर का चिन्ह लगाना होगा, उसके बाद में टी ई एक्स टी लिख देना होगा, उसके बाद में कामा को ओपन करना होगा, सॉरी ब्रैकेट को ओपन करना होगा। ब्रैकेट को ओपन कर लेने के बाद में हम डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कामा लगा देंगे, उसके बाद में करंट डेट को सेलेक्ट कर लेंगे, कामा लगा देंगे, उसके बाद में सॉरी इसमें कुछ गलतियां हुई हैं उसे हम पुनः सही करते हैं, यहाँ तक हटा देते हैं, फिर से हम इसे पुनः दोहराते हैं। इसके लिए
बराबर का चिन्ह लगाना होगा, उसके बाद टी ई एक्स टी टेक्स्ट लिखना होगा। उसके बाद में टेक्स्ट लिख देने के बाद में आपको कामा को ओपन करना होगा, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना होगा। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेने के बाद में आपको फिर से कामा नीचे लगाना होगा, उसके बाद में आप डबल ब्रैकेट के अंदर डी डी डी, उसके बाद ब्रैकेट बंद, उसके बाद कोष्टक यानी जो इन्वर्टेड कामा के बाद कोष्टक लगता है उसको हम बंद करेंगे, जो कि सूत्र में इस प्रकार से है, मैं पुनः समझा दे रहा हूँ। तो आप बराबर का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद टेक्स्ट लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, कामा लगाना है, उसके बाद आपको डबल ब्रैकेट के अंदर तीन बार डी 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 क्यू मतलब जिसको बोलते हैं उसको टाइप कर देने के बाद में डबल कामा को बंद करना होगा, उसके बाद में कोष्टक को बंद करना होगा, उसके बाद आप इंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं संडे वो दिन था, अब दिन निकल के आ गया है। उसके बाद में अब मुझे इसमें आधा आ रहा है, इसे पूरा चेक करना है, तो इसके लिए हम फिर से इस पर क्लिक करेंगे। इसमें जहाँ डी डी तीन बार है, यहाँ हम इसे चार बार करके हम फिर से इंटर कर देते हैं, तो पूरा दिनांक आ जाएगा कौन से दिन की जन्म तिथि है मेरी या किसी की। तो उदाहरण के तौर पे अगर आप इसे नीचे आप लिखते चले जाएंगे सूत्र का प्रयोग करते हुए, उसके बाद अब इसे माउस कर सब खींचते जाइए, तो आप जो भी डेट ऑफ बर्थ है उनकी सारे रिजल्ट आते चले जाएंगे। या एक साथ ऐसे करने के लिए आपको यहाँ से माउस कर्सर को रखना होगा, उसके बाद में इस प्रकार खींच देना होगा। तो आप देख सकते हैं सारे रिजल्ट आ चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं एक्सेल की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही अपडेट आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।